हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एक कैसलेट डीआई डिस्कस करेंगे और ये सेशन प्रिपेयर किया गया है आपका जो अपकमिंग एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम है उसको लेके। बाकी जो बच्चे कोई दूसरा किसी इंश्योरेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर की किसी भी एग्जाम की प्रिपेरेशन कर रहे हैं उनके लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। कैसलेट डीआई का आजकल ट्रेंड काफी है, मेंस में तो पूछते ही है, प्री में भी आप देखेंगे एटलीस्ट 50% स्लॉट में कैशलेट डीआई पूछी जाए। चलिए देखिए क्या दिया गया है डायरेक्शंस में। रीड द फॉलोइंग कैशलेट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये ट्रेन स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम सोर्स स्टेशन पी टू इट्स डेस्टिनेशन स्टेशन। देयर वर थ्री इंटरमीडिएट स्टेशंस ए बी सी। तो इनको क्या साथ साथ आप बनाओ, जो जो इंफॉर्मेशन आएंगे अपन फिल करते रहेंगे। अपने को क्या पता चल गया कि एक स्टेशन पी है जहां से ट्रेन शुरू होती है, फिर ए बी और सी तीन स्टेशन और है, लास्ट स्टेशन क्यू। तो ये तो स्टेशंस तो आ गए। अब चलिए क्या दिया है, गिवन बिटवीन एनी टू, और क्या दे दिया, द फेयर बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव स्टेशन वाज ₹5। मतलब पी से ए को जाओ या ए से बी को, बी के सी को, सी से क्यू को, मतलब कंसेक्यूटिव जो दो स्टेशंस के बीच की जर्नी है उसका फेयर है ₹5। द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डेड एट स्टेशन पी वाज 2280। तो बोर्डेड अगर मैं इसको लिख लूं कि यहाँ बोर्डेड कितने हैं, 2280 पी पे जहां से ट्रेन शुरू हुई वहां 2280 इतने पैसेंजर्स। राइट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डेड एंड लेफ्ट द ट्रेन एट स्टेशन ए वाज 9:7। बोर्डेड लेफ्ट और दूसरा जो अल्टीमेटली इन ट्रेन पैसेंजर, यही कंडीशन आएंगी और क्या। भाई अगर यहां देखें तो पी तो बिगनिंग का स्टेशन है, यहां लेफ्ट का कुछ होगा नहीं और 2280 इन ट्रेन हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि ए पे जो बोर्डेड पैसेंजर बोर्डेड एंड लेफ्ट 9:7। अगर मैं नो एक्स मान लेता हूं, नो एक्स तो यहाँ बोर्डेड है तो 7x ने यहाँ इस ट्रेन पे लेफ्ट किया, मतलब 9x पैसेंजर्स तो इस ए ट्रेन ए स्टेशन पे चढ़े और 7x ऐसे थे जो यहाँ से उतर। राइट, बोर्डेड लेफ्ट रेस्पेक्टिवली एंड द टोटल टिकट सोल्ड फॉर स्टेशन क्यू एट स्टेशन बी वाज 140। मतलब बी पे क्यू के लिए कितनी भी की ट्रेन टिकट 140, तो 140 तो ये बोर्ड हो ही गए ऑब्वियस है जो डायरेक्ट क्यू के लिए हुए। और टोटल नंबर ऑफ ₹5 टिकट सोल्ड एट स्टेशन बी वाज 210 और ₹5 की टिकट बिकी 210। तो ये 210 कौन से हैं, जो बी से सी के लिए बैठे। राइट, और बी से जो क्यू के लिए बैठे वो थे 210। तो टोटल बोर्डिंग कितनी हो गई है, 350, 14, 21, 35, 350 द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु लेफ्ट द ट्रेन एट स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। लेफ्ट द ट्रेन एट स्टेशन ए एंड स्टेशन बी वाज 7:6। तो अगर मैं यहां मानूं कि लेफ्ट ए और बी का, ये मान लो लेफ्ट की है 7y, तो यहां बी पे लेफ्ट कितने करेंगे, 6y। राइट, 7 और 6 का रेशियो। अब द टोटल अमाउंट अर्न्ड बाय सेलिंग ₹5 टिकट एट स्टेशन पी वाज 2800 पी पे एट द ₹5, ₹5 की टिकट कितनी, 2800। तो 2800 में से 2800 को 5 से डिवाइड मैं करूं तो कितना आ गया, 5 × 25, 560। तो 560 पी पे 560 ऐसे थे जो ए के लिए चढ़े थे। भाई पी से ए के 500 ₹5 होंगे, तो ये पी से ए की बोर्डिंग कितनी थी, 560 पैसेंजर सेट ऐसे थे जो पी तक आए। राइट,
तो एक तरह से आप देखो कि जो जिन्होंने 5 रुपए की टिकट ली, थोड़ा सा समझना इसको, पी पे 5 रुपए की टिकट ली, इसका मतलब वो पी से ए तक की जर्नी थी, तो ए पर लेफ्ट, ए के लेफ्ट, ए पर कितने लोग उतरेंगे? 500, राइट? तो 7x=560, तो 7 × 2 एक्स की वैल्यू 80 आ गई, तो यहां तो हो गए 720, 720 तो चढ़ेंगे, और ये कितने हो गए? 560, 560 यहां से उतरेंगे, राइट? और ये 560 7y के इक्वल भी हुए, तो यहां y की वैल्यू भी क्या आ गई? 80 आ गई, तो यहां 6y कितनी आ गई? यहां कितने उतरेंगे? 480, राइट? अब आई थिंक ये काफी कुछ क्लियरिटी आ चुकी है, और आगे एफटीआर जैसे प्योर 28 जोड़ दे टोटल नंबर ऑफ लेट रजिस्टर, हाँ एक देखो ये क्या है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स लेफ्ट द ट्रेन एट स्टेशन क्यू वाज 1740, क्यू पे जिन्होंने लेफ्ट किया 1740, तो ट्रेन में पैसेंजर रहेंगे कितने? नील हो जाएंगे, या तो लास्ट स्टेशन है और या बोर्डिंग भी नील होगी, तो स्टेशन ही लास्ट है, तो 1740 बचे थे, इसका मतलब सी में भी अगर इन ट्रेन आप देखोगे तो 1740 ही होंगे, जो पूरे के पूरे इन ट्रेन के अंदर जब ट्रेन छूटी तब कितने लोग होंगे सी पर? 1740 जो है क्यू पे उतर गए। और क्या दिया है? टोटल अमाउंट अर्न बाय सेलिंग टिकट एट स्टेशन सी वाज 1250। अब सी पे तो जितने भी लोग चढ़े होंगे वो 5 रुपए वाली टिकट ही लेंगे, क्योंकि क्यू ही एक स्टेशन बचा और दो कंसेक्यूटिव स्टेशन के बीच की टिकट है 5 रुपए। तो अगर 1700 सी बात 1250, 1250 को अगर 5 से मैं करूंगा तो क्या आ गया? 250। इसका मतलब यहाँ बोर्डिंग कितनी हुई सी पे? 250, 250 बोर्डिंग हुई है, राइट? और यहाँ क्या पोजीशन बनी? देखिए ऊपर देखिए, 2280 थे यहाँ, ए पे क्या हुआ? 720 तो चढ़े, 560 उतरे, तो इसका मतलब 700, 560 और 720 का जो डिफरेंस कितना हो गया? 56 और 16, 56 16, 160 का, तो 160 है इसमें, और जोड़ दो, भी चढ़े ज्यादा है उतरे कम है, तो 22, 160 आप जोड़ोगे तो 2200 और 100, 2300, 2440, तो यहाँ आपके इन ट्रेन हो गए 2440, 2440 में यहाँ बोर्डिंग हुई 350 की और उतरे 480, तो वापिस कितने हो गए? 130, 130 इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 2310। अब यहां ये 2310 थे ट्रेन में, वो 2310 में 250 और चढ़ गए, तो 2300 और दो 2560, 2560 अल्टीमेटली बचे कितने? 1740, 2560, 1740, तो उतर गए कितने यहां पर सी पे? 17820, तो ये आ गया 820। अब आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन बन गई, अब आप क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, फिर क्वेश्चन तो फिर बहुत सिंपल होता है। चलिए जो स्टेज अभी अपन ने जो बनाई थी इंफॉर्मेशन, वो मैंने, आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने शेयर कर लिया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पैसेंजर्स हैड लेफ्ट द ट्रेन एट सी, सी पे कितने लोगों ने छोड़ा? तो ये लोग 820, तो आपका आंसर आ गया 820। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹5, ₹10, ₹15 एंड ₹20 टिकट सोल्ड एट द स्टेशन पी वाज 14 6 8 29, ठीक है? फाइंड द नंबर ऑफ ₹5 टिकट सोल्ड एट द स्टेशन, एट स्टेशन ए। अब आप इसमें देखिए, आप फाइंड द नंबर ऑफ ₹5 टिकट सोल्ड एट स्टेशन ए, स्टेशन पे 5 रुपए वाली टिकट कौन सी होगी जो बी पर उतरेंगे? अब बी पर उतरे कितने? लेफ्ट कितने हैं? 480। अब 480 में से एक तो वो लोग हैं जिन्होंने 5 रुपए की टिकट लेके ए पर चढ़े, दूसरे वो हैं जो पी पर जिन्होंने 10 रुपए की टिकट ली, वो भी यही उतरेंगे, तो पी पे 10 रुपए की टिकट कितनों ने ली? देखो आप 14 और 6 20 और 8 28, 28 × 56 = 57x, 57x की वैल्यू है, टोटल बोर्डिंग है वहां 2280, तो 57x की वैल्यू आ गई 40, तो जो 10 रुपए वाली टिकट ली है वो है 6x, तो 240, 6 × 40
240, तो 240 तो इन 480 में से वो हैं जो पी पे 10 रुपए की टिकट लेके चढ़े थे, जिनको बी पे उतरना है, और बचे 240 वो ऐसे हुए जो आपके, जिन्होंने ए पर 5 रुपए की टिकट ली। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, दी पर पर्सन एवरेज वेट ऑफ द पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी वाज 35 kg। ए से लेके बी तक जो ट्रेवल किया है उनका, एंड द रिजल्टेंट वेट ऑफ द ट्रेन इंक्लूडिंग द पैसेंजर्स वाज 200 टन, एंड द वेट ऑफ द ट्रेन ओनली। भाई जिन्होंने क्या किया है, इन द ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, तो ए टू स्टेशन बी कितने लोगों ने किया पैसेंजर लास्ट में, जब ट्रेन भाई 2200, ट्रेन पी में थे, पी पर जब ये रवाना हुई तो 2280 थे, 2280 में से 560 तो उतर गए और 720 चढ़ गए। ए से जब रवाना हुई तो उसके पास 2440, मतलब ए से बी का जो सेगमेंट है उसमें 2440 टोटल पैसेंजर्स। वो कह रहा है कि एवरेज वेट इन्होंने दे दिया, फ्रॉम स्टेशन पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी वाज 35 kg एवरेज वेट। तो पैसेंजर्स का वेट ऑफ पैसेंजर्स कितना आ गया, 2440 गुणा 35 यही आएगा। और द रिजल्टेंट वेट ऑफ द ट्रेन इंक्लूडिंग द पैसेंजर वार 210, और दोनों का मिला के 210 है वेट ऑफ ट्रेन का, तो 200 माइनस 2440 इंटू 35 यही तो वेट ऑफ ट्रेन आएगा, राइट। तो अगर इसको आप आगे देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2440 बटा 35 ये केजी में है और ये टन में है, तो इसमें 1000 का आप भाग दे दें, तो 1000 का आप भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक सिफर तो आपकी ये कट गई। 5 से मैं काटूं तो 5 7 35 और ये हो गया 20, 20 को फिर 4 से काटूं, 4 5 20 और ये 4 से क्या आ जाएगा, ये 61 आ गया, साइट 61 ही आएगा, 240 का तो 60 हो गया और 44 का एक और 61। अब आप इसमें देख लो तो मोटा मोटा आप देखो तो ये क्या आ गया, 200 माइनस 61 गुणा 7 बेटा 5, या 1000 में से 742, 427, 1000 माइनस 427 बेटा 5, 200 टन था क्या, हाँ, तो 1000 में से आपने निकाल लिया 400, 600, 600 और ये रह गया 573, 573 बटा 5, आपका 100 टन तो एक आ गया, और 70 का देखोगे तो 14 5 जो 70, 14.6, 114.6 आई थिंक ये है इसका आंसर आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत 19 20 कहीं हो गया हो, तो कुल मिला के निकलेगा से, क्योंकि आपका ऑफिस टू स्टेशन बी ट्रेवलिंग इन द ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी कितने होंगे, वो 2440 होंगे, 35 से गुणा करना है, 1000 से डिवाइड करोगे टन आ जाएगा, 200 में से घटाओगे तो वेट ऑफ ट्रेन। फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड एट द स्टेशन बी ऑन सेलिंग ऑल टिकट, बी स्टेशन बी ऑन सेलिंग ऑल टिकट, तो इसका आप कैसे निकालोगे बताओ। इसमें मेन पैराग्राफ में आपने ध्यान दिया हो तो दिया हुआ था कि बी से क्यू के लिए जो पैसेंजर वो थे आई थिंक 140 और 110 थे क्या, आप अगर देखें वापिस से मेन पैराग्राफ में, एंड स्टेशन क्यू एट स्टेशन बी, फोर स्टेशन क्यू, बी से क्यू वाले 140 थे और 5 रुपए का टिकट जो मतलब बी पे वो 210 है, तो इससे आपका क्या आ गया कि बी से क्यू वाला तो 10 रुपए वाला हुआ, ये तो हो गया 140, तो 140 गुणा 10 का तो कलेक्शन ये आ गया, और जो बचे हुए जो 350 की बोर्डिंग है तो 140 ये तो 210 जो बचे वो 5 रुपए वाले हो गए, उनको सी पे उतरना था, तो कितना हो गया 1400 तो ये आ गया, और ये 51 105 1050, तो 1424 150 यही आपका राइट आंसर हो गया। देखते कि हाउ मेनी पैसेंजर्स वर ऑन द ट्रेन बिटवीन स्टेशन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने पैसेंजर थे, तो ये वैसे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्या क्वेश्चन है बताइए,
भाई बी में पैसेंजर इन, भाई बी पे जब आए ये ट्रेन, ए से छूटी 2440 थे, बी पे 350 तो चढ़े और 400 से उतरे, अल्टीमेटली बचे 2310। इसका मतलब बी स्टेशन छोड़ा तब 2310 थे, तो बी और सी के बीच में कितना चलेगा, 2310, यही तो पैसेंजर्स होंगे भाई। जो जितने पैसेंजर्स ने स्टेशन बी को छोड़ा और सी तक, भाई सी की जो बोर्डिंग और जो लेफ्ट वाला जो फिगर आके 1740 हुआ, ये सी का स्टेशन, जब वो स्टेशन छोड़ेगी तब सी पे उसके थे 1740। तो बी के सामने जो संख्या है वो ही बी और सी के बीच में रहेगी, तो कितना हो गया 2310। तो आपने देखा मेन था, जब एक बार आपने इंफॉर्मेशन गेदर कर ली उसके बाद में तो कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा मुझे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं आपके पास ये सेशन प्रिपेयर करके आपके पास लेके आया, ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। एसबीआई क्लर्क में भी, एसबीआई पीओ के भी, प्री के दोनों ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको उस टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं किया हुआ है और वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में नजर आएगा तो एग्जाम का अलग स्ट्रेस होता है, और वो आपको कर तो आप लोगे उसको, लेकिन वो आपका टाइम खा जाएगा, और टाइम इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट में आप क्या कर गुजरोगे, यही तो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही बस, फिर दूसरे सेशन में मिलेंगे। लेकिन उनसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। देखिए आपको इंफॉर्मेटरी, जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है बैंकिंग सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर से रिगार्डिंग, वो सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं, और रेगुलर वीडियोज भी आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस।